पिछले एक महीने से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे बिजली कर्मचारियों का आंदोलन अब तेजी पकड़ता जा रहा है। विद्युत कर्मचारियों ने 29 नवंबर से पूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। वहीं गुरुवार को तीसरे दिन भी विद्युत कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार और अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। दरअसल अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर लगभग पिछले एक महीने से बिजली कर्मचारी आंदोलनरत हैं। दिल्ली रोड स्थित विद्युत कार्यालय पर कार्य बहिष्कार कर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में संविदा कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जो गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि हमारी 15 सूत्रीय मांगों का एक एजेंडा है, जो हमारी मांग नहीं बल्कि यह हमारे अधिकार हैं जो हमें पहले से मिलते आए हैं, लेकिन उनके अधिकारों में कटौती कर दी गई है, उनको हम फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वहीं विद्युत संविदा कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी सैयद नोमान अली ने बताया कि निजीकरण के विरोध में हम सभी संविदा कर्मचारी अधिकारियों के साथ हैं और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए, जिसकी मांग काफी समय से की जा रही है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर है। ये मांगे इसमें सब निजीकरण का विरोध करने के लिए, हम सारे संविदा कर्मचारी जितने भी हैं वो निजीकरण के विरोध में इन सब के साथ में है अधिकारियों के। और हमारा ये है कि संविदा कर्मचारियों का जो है वो निमिकरण होना चाहिए और ये पक्के होने चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा है, सरकार अपनी हठ धर्मी पर अड़ी हुई है। ये आज तीसरा रोज है ये विरोध प्रदर्शन करते हुए और इसका पता नहीं कब तक चलेगा। ये अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक सरकार मांगे नहीं मानती तब तक ही चलता रहेगा। हमारी 15 सूत्रीय मांगों का एक एजेंडा है, जो हमारी मांग नहीं है बल्कि ये हमारे अधिकार हैं, जो हमें पहले से मिलते आए हैं विभाग में, वो हमारे कटौती कर लिए गए हैं, उनको हम पुनः बहाल कराने की मांग करते हैं। हमारी मुख्य मांग यह है कि हमारे जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित किया जाए, वो टेम्परेरी बेस पर काम करते हैं, उनको स्थायी किया जाए। दूसरी मांग है हमारा, जो अब हम बिजली की चोरी पकड़ते हैं, हमारे साथ रोज़ आए दिन मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं, हमारे बहुत सारे साथियों को जो है चोट लगी है, घायल हुए हैं, मृत्यु भी हुई है, उनके लिए एक पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत बनना चाहिए, ये मांग है। हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था ख़त्म कर दी गई, उसको बहाल किया जाए, हमारे लिए कैशलेस चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाए और हमारी जो पहले से रियायती बिजली की सुविधा LMV 10 की है उसे पहले की तरह रखा जाए। हमें ये लगता है कि हमारा प्रबंधन अभी हमारी इन कार्य बहिष्कार या आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रहा है और उसको ये अंदाज़ा भी नहीं है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। उपभोक्ताओं को जो भी इस समय परेशानी हो रही है उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार हमारे प्रबंधन है।